मुंबई ऐसा शहर जिसे नींद नहीं आती, ऐसा शहर जो जागते हुए भी सपने देखता है, एक ऐसा शहर जहां चमक दमक की ऊंचाइयां हैं, एक ऐसा शहर जहां खामोश अंधेरी खाई है, एक ऐसा शहर जहां इंसानों के बीच इसी फर्क ने एक अलग दुनिया बनाई, मुंबई अंडरवर्ल्ड। किसी पेपर पे लिखने से सच और झूठ का पता नहीं चलता, पता चलता है बॉम्बे की सड़कों पर। बॉम्बे पे अंडरवर्ल्ड का राज था और राजा खुद दुबई जा बैठा था। अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का एक बहुत आसान तरीका था, किसी की खून की सुपारी लेना। माया इसी तरह भाई की नजरों में आ गया। माया अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता था, पुलिस को भी नहीं। अगर वो तो जिंदा बचे तो उनको बोलना माया भाई दो दिन जल्दी निकल गया। उन दिनों बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर था हुआ। हिसाब चुकता अब करती। माया की नजर उस पे पड़ी और उसने एक प्लान बनाया। हिसाब चुकता। उसी रात अशोक जोशी की गैंग एक ही झटके में खत्म हो गई और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप जनरल। पैसा देने के लिए समझा गया। रोटी जल्दी लाना। नहीं बाबा, आज क्या टकाटक खाना बनाया ना? अच्छा? मैंने बनाई क्या ये सब खाना? क्या है, खिला खिला के मार डालेगी क्या? अरे तू कहाँ मरेगा रे हलकट। अच्छा किया टपका दिया सिद्धवानी को, साला अपुन से डरेगा नहीं तो मरेगा क्या? खड़ा खा। क्या हुआ, किधर से फोन था? दुबई से। वो सिद्धवानी को उड़ाया ना इसके लिए, बोलता है आगे से पूछ के उड़ाने का। साला माया पूछेगा, बोला था ना अपुन भाई। वो इतना दूर बैठा तुम लोगों को फोन पर ऑर्डर देता है और तुम येड़ा लोग तुम दबा कर हाजी हाजी करता है उसको। ए आई कबस रे, तेरे को समझेगा नहीं, फालतू बोल मत। सब समझती है मैं। अब यह कब मुंबई तुम लड़का लोग को जानता है? भाई का गैंग छोड़ने का और खुद का गैंग बनाने का। ए आई तू जा रे,
मालूम है क्या बोल रही है भाई? क्या चीज है मालूम है तेरे को? ये जो भाई बना है ना, किसी को हटा कर ही बना है। साला उल्टा अपुन को होल देने लगा कि अपुन जैसा टपोरी लोग के साथ बात भी नहीं करेगा। क्या बात नहीं करेगा? हेलो माया, तुम क्या चाहिए तुम्हें? अब उनको नहीं, तेरे को चाहिए सेठ। क्या प्रोटेक्शन? अरे तू मेरे बच्चे लोग को क्या बोला रे? तुम भी अभी बच्चे हो, समझे माया? और मेरे ऊपर तुम्हारे बाप का हाथ है। मैं डायरेक्ट दुबई बात करता हूँ, समझा? जिसका तुम बात कर रहे ना, उसका हाथ तेरे सिर तक नहीं पहुंचेगा रे दुबई से। अभी क्या तेरा वाइफ फैमिली सब इधर ही बॉम्बे में? अपन भी इधर ही बॉम्बे में, समझा? गया चल, 40 बेटे तैयार रखना। अरे फड़वे, तू किसे धमकी दे रहा है? तुझ जैसे ग्रिंगो को आते जाते देखा है मैंने। अबे तुझ जैसे लोग 40 लाख क्या 4,000 के लिए रोज मरते हैं। अब मेरा नंबर भूल जा वरना दुबई फोन घुमाऊंगा तेरे बाप को। माया बज गए घंटे, बजी 70 पेटी कल 70। ए खजूर, और अभी जितना रोकड़ा पड़ा है ना, हाथ के हाथ थमा दे। चल चल गुड लक के लिए, चल 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 फटाफट। चल ए, और नहीं क्या? बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपुन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है, अपुन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। चला अपुन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई? तो तू करना क्या चाहता है? पैसा तो अपुन लेगा ही, आखा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट ही नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपुन का। क्या भाई, मेरा बेटा उनके पास है भाई, वो कहते हैं उसे मार देंगे। मेरा एक ही बेटा है भाई, आप उसे बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर आधे पैसे दे दिए। लोखंडवाला आधे बेटे 300, अब बाकी के पैसे मैं दे दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए भाई, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा भाई, थैंक यू। जाओ भाई, फिर वही माया का लफड़ा। अपनी लाइन में सब लोग गटर से निकल कर आते हैं, कुछ लोग ऊपर निकल जाते हैं और कुछ लोग
गोली खाकर वापस गटर में गिर जाते हैं। हेलो, अच्छा अभी माया का पता लिख। स्वाति बिल्डिंग, लोखंडवाला। पांच आदमी है और एक भी बचना नहीं चाहिए, समझा? ए बच्चो, क्या रे तुम्हें बुरा मान गया, मस्ती कर रहे ये लोग। ए सॉरी बोल रहे। मैं बोलता सॉरी सॉरी। अरे अब दो बार सॉरी बोला ना, अब तो स्माइल मार। पुलिस देखो बोलने सुनने का टाइम गया अभी करने का। तुम्हें तो पागल हो गया, पागल हो गया तू। साला निकल गया तो वापस कहां आया एड़े? तुम साला लोग को बताने के लिए अपन फट तो नहीं है। हाँ बोल। क्या भाई, इधर तो अक्खा बॉम्बे का पुलिस अपन और अपन के बच्चे लोग को घेर के बैठे ला है। तीन फोन घुमाओ ना आप। तुम बोला था ना आज से बंबई का काम तुम देखोगे, तुम ही कुछ करो ना। वैसे भी माया दुबई से अपना हाथ कहां वहां तक पहुंच सकता है। ये सुनने का था साला अपने को, साला तू ही जब उनकी फील्डिंग लगाया। माया यहां से बच के निकला ना, अब उनका हाथ दुबई तक पहुंचेगा, समझा क्या? लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। अखाओ ये शहर बड़ा अपनी जेब में पड़ा, खुला राज है बस क्या।